बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक ये स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि हमें सिंपल पेंडुलम समझाए। तो इससे पहले, सिंपल पेंडुलम से पहले ज़रूरी है कि ऑसिलेटरी मोशन को जानना ज़रूर होगा। इसके साथ कुछ और टर्म है जो कि टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, इसके साथ एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, इन सारा टर्म को समझना ज़रूरी है। तो पहले ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बता देता हूँ। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन की जो डिफिनेशन है, सिंपल मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि बैक एंड फोर्थ मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एक बॉडी है, वो मेन पोजीशन से बैक, इस तरह बैक और फोर्थ ये मोशन करता है, इसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ये रिपीटेड, मतलब ये बार बार बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये फिर आगे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है साइकिल या वन वाइब्रेशन। ये क्या है? वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, इसका मतलब है, साइकिल तो आप लोग जानते होंगे कि जो चीज़ एक पॉइंट से शुरू हो जाती है और वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है, इसको हम वन साइकिल कहते हैं। तो फिजिक्स जहाँ पर जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसके रूप से अगर हम वन साइकिल ले ले तो इसका मतलब होगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मोशन की बात है, एक बॉडी है, उसने यहाँ से मोशन शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर इस तरह आया और फिर मेन पोजीशन पर आया। एक बॉडी है, उसने मोशन शुरू किया और वापस मेन पोजीशन है उस पर आए, तो इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसने वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया, इसको वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कहते हैं कि एक बॉडी मेन पोजीशन से लेकर मोशन करती है और वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाती है। जिस तरह ये सर्कल है, ये इसने यहाँ से मोशन शुरू किया और वापस यहाँ पर आया, तो इसने एक साइकिल कवर किया, यानी ये। और यहाँ पर देखिए, इस तरह बॉडी ने मोशन शुरू किया और वापस मेन पोजीशन पर आई, तो इसने वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, वो है टाइम पीरियड। जिस तरह नाम से जाहिर है कि टाइम, तो इसकी डिफिनेशन इस तरह होगा कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन साइकिल। यहाँ पर इस ऊपर वाले एग्जांपल को आप लोग देखें कि यहाँ पर बॉडी ने यहाँ से मोशन शुरू किया, यहाँ तक आई, फिर इस मेन पोजीशन पर वापस आई, तो इसने एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट किया? वन सेकंड में, टू सेकंड में, जितने टाइम में इसने ये एक साइकिल कंप्लीट किया, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सेम सिचुएशन है अगर आप लोग इसमें देखें, इसने यहाँ से मोशन शुरू किया और वापस मेन पोजीशन पर आई, तो इसने भी एक साइकिल कंप्लीट किया। इसने एक साइकिल कितने वक्त में कंप्लीट किया, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है, क्योंकि ये टाइम है और टाइम को हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका यूनिट टाइम सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, वो है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी,
तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली टाइम पीरियड का इनवर्स है। वो किस तरह? यहाँ पर एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में हम इसका इनवर्स लेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल या वाइब्रेशन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ साइकिल या वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये इसका इनवर्स है। ये 1 सेकेंड मैंने इसकी जगह आप लोग अगर लिखे यूनिट टाइम, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमें एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगता था उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात यह है कि एक यूनिट टाइम गुजर गया और इसने एक यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड गुजर गया और इसने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट किए, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसने कितना वक्त लगाया, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी में कि इसने एक मखसूस वक्त में कितने साइकिल कंप्लीट किए, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन दोनों का जो है इनवर्स रिलेशन है, इन दोनों का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट का, फोर्थ नंबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, Distance of oscillating body from mean position. Mean position से एक oscillating body है, जिस तरह इस ऊपर वाले example में मैंने बताया है, इसमें ये oscillation करता है back and forth motion। तो ये body mean position से जितना distance cover करेगी इसको हम displacement कहेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्राम मीन पोजिशन, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये मीन पोजिशन है और ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला भी हम डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हम काउंट करते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से। जितना इसने डिस्टेंस कवर किया इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके और डिस्प्लेसमेंट को हम, इसका भी यूनिट है डिस्प्लेसमेंट को, हम मीटर में मैयर करते हैं, मीटर में। फ्रीक्वेंसी का हमें नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, हर्ट्ज। और टाइम पीरियड का तो बता रहे कि इसका सेकंड है। इसके बाद लास्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट के बाद, वो है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड क्या है? एक्चुअली जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन? आप लोगों ये ऊपर वाले एग्जांपल को देखें, यहाँ पर ये बॉडी है, इसने यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आई और फिर यहाँ तक आई, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हम लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। यहाँ पर मैं दूसरा बना देता हूँ, ये बॉडी है, ये जितना इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगर ये यहाँ तक आया जितना इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताया इससे पहले कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन,
ये इसने यहाँ तक, यहाँ से डिस्टेंस है इसका फर्श का यहाँ तक, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह है ना, इसने ये मीन पोजीशन है, इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ तक इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे बेसिक, इसके बाद इंशाल्लाह ऐसे चम समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। वस्सलाम।